बताने वाले होंगे कि कैसे आप अपनी बहुत बड़ी फाइल को डायरेक्ट डाउनलोड करवाना चाहते हैं किसी दूसरे एंड पे, और या खुद अपना डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उसके लिए लिंक कैसे शेयर करें गूगल ड्राइव से, डायरेक्ट लिंक कैसे बनाएं कि आप इजीली उस फाइल को डाउनलोड कर पाइए। तो सबसे पहले हम लोग न्यू पे जाएंगे और वहां से फाइल अपलोड करेंगे। जब हम लोग फाइल अपलोड करेंगे तो जो फाइल हमको डायरेक्ट लिंक जिसकी बनानी है उस पे चले जाएंगे और उसको ओपन करेंगे। ओपन करने से वो फाइल आपकी गूगल ड्राइव में अपलोड हो जाएगी। जब गूगल ड्राइव में अपलोड हो जाएगी तो उस पर राइट क्लिक करिएगा और गेट लिंक करिएगा, तो आपको उस फाइल का लिंक मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए रेस्ट्रिक्टेड लिखा है, इसको करिएगा तो ये एनी वन विथ लिंक हो जाएगा। जब एनी वन विथ लिंक हो जाएगा तो इसमें तीन ऑप्शन मिलेंगे, व्यूअर, कमेंटर और एडिटर। तो आप एडिटर पे दबा दीजिएगा अगर उससे अपनी फाइल को एडिट करवाना है, और कमेंटर पे दबाइएगा और केवल उससे कमेंट लेना, और व्यूअर पे दबाइएगा कि केवल वो देख पाए, कमेंट भी ना कर पाए। तो यहाँ से अब आप कॉपी लिंक कर दीजिए। जब आपने एडिटर पे कर दिया, कॉपी लिंक किया, डन कर दिया। अब डन करने के बाद यहाँ पर जाएंगे और डायरेक्ट डाउनलोड लिंक जनरेटर साइट पे जाएंगे, जहाँ पर गूगल ड्राइव की जनरेट करने वाली साइट है। यहाँ पर जा करके हम लोग उस फाइल की लिंक को पेस्ट करेंगे। यहाँ पर जब आप पेस्ट करिएगा तो यहाँ आएगा क्रिएट डायरेक्ट लिंक। तो यहाँ पर क्रिएट डायरेक्ट लिंक करिएगा, देखिए सक्सेसफुली क्रिएट हो गई। इस लिंक को आप कॉपी कर लीजिए और नए किसी भी टैब में जब पेस्ट करके एंटर करिएगा तो ये आपकी फाइल डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगी, किसी को दिखेगी नहीं और डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जब आप सेव कर दीजिएगा तो वही फाइल आपकी सेव हो जाएगी। देखिए हमने वाटरफॉल अपलोड किया था और दूसरी वाटरफॉल एक बन गई। अब इस फाइल को आप डायरेक्टली रन करके देख सकते हैं कि प्रॉपर आई कि नहीं। तो ये देखिए हमने जो फाइल अपलोड की थी वही फाइल आपको दिख रही है। तो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर, आशा करते हैं आपको डायरेक्ट लिंक बनाना गूगल ड्राइव पे आ गया होगा। अब आपको किसी भी बड़ी फाइल को शेयर करने में दिक्कत नहीं होगी और आप इजीली उस फाइल को किसी भी अपने कोवर्कर को सेंड कर पाइएगा, जिससे कि वो आपकी कुछ मदद कर पाए या कुछ आपके इंफॉर्मेशन को वो ले ले, या आपको उससे कुछ काम हो, एडिट कराना हो अपना वीडियो, कुछ करना हो, तो आप उसको इजीली डायरेक्ट लिंक दे करके उसके पास अपनी वीडियो को भेज सकते हैं। सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो प्लीज़ ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, और प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, और नहीं आया तो हम फिर से इस पर कुछ आपको और एडवांस बना देंगे। वैसे गूगल ड्राइव के तो बहुत से मेथड हैं जो आप यूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट, पावर पॉइंट और एक्सेल शीट को प्रॉपर हैंडल कर सकते हैं ऑनलाइन इन गूगल ड्राइव में। अगर आपको उसको डिटेल सीखना हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिए कि हाँ हमको वीडियो चाहिए, तो हम डिटेल वीडियो बना देंगे। थैंक यू व्यूअर्स।